नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी है, उससे पहले बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से बहुत पहले उनकी आभार यात्रा 10 सितंबर से शुरू हो गई है। बुधवार उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। वहीं अब नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के रास्ते पर चलने वाले हैं। जी हां, सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात ये मानी जा रही है कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा में महिलाओं पर फोकस करेंगे। वैसे नीतीश कुमार की यात्रा पर जाने की खबर को हवा तब मिली जब बिहार सरकार में जेडीयू के कोटे से मंत्री लेजी सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ना कोई यात्रा और बहाना लेकर लोगों के बीच जाते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि आधी आबादी का हालचाल लेने वाले नेता नीतीश कुमार ही है। उन्होंने कहा कि आधी आबादी की सुध लेने वाले एकमात्र नेता नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के दौरान महिलाओं से विशेष तौर पर संवाद करते हैं। वैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही राज्य में महिला हितैषी और स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में कई निर्णय ले चुके हैं। इसमें लड़कियों के लिए साइकिल हो, जीविका दीदी हो, महिलाओं को पंचायत नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण हो, सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण का व्यापक असर देखा भी गया है। इतना ही नहीं, बिहार में शराबबंदी के निर्णय भी सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर ही लिया था। ऐसे में आधी आबादी के लिए अपनी सरकार में चलाई गई योजनाओं और नीतियों से कैसे महिलाएं सबल हुई है उस पर संवाद करने का कार्यक्रम सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। वैसे नीतीश कुमार की यात्रा कब होगी इसके बारे में मंत्री लेसी सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जब यात्रा होगी तो इस पर आधिकारिक बयान आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो बात कही उस बात के आधार पर तय माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा महिलाओं पर फोकस करने वाली होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कार्यक्रम करना, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? महिला समाज यात्रा पे जो निकल गए मुख्यमंत्री, तो इसमें आप लोग की भूमिका क्या रहेगी? आखिर आखिर क्या कुछ होगा, इसका प्रारूप क्या होगा? ये तो आपको बता दिया जाएगा, अधिकृत बयान तो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो महिलाओं के लिए बराबर उनके बीच जाते रहे, उनसे जानने का कोशिश करते हैं। जो इतना हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेता ने जो आधी आबादी का सुधी लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज तक किसी ने बिहार में सुधी महिलाओं की नहीं ली, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर जा रहे हैं। और क्या करना चाहिए, पंचायती राज में नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को हर प्रकार की नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, जीविका दीदियों का गठन करके, समूह का गठन करके महिलाओं को स्वावलंबन किया जा रहा है, आर्थिक रूप से सबल किया जा रहा है, हमारी जो बच्चियां हैं बालिका साइकिल योजना चलाया जा रहा है, कई योजनाएं जो महिलाओं को बेटियों को सशक्त करने के लिए योजना चलाई जा रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर स्तर पर जो हमारी आधी आबादी है उनको आगे बढ़ा रहा है, तो बराबर संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जब प्रोग्राम बनेगा वो सारी बात आप लोगों को बताया जाएगा मीडिया को, किस रूप में प्रोग्राम का क्या स्वरूप है। माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये सरकारी कार्यक्रम होगा तो खुद बताएंगे। वैसे यात्रा की बात करें तो अभी बिहार में यात्राओं का दौर जो है वो जारी है। प्रशांत किशोर भी अभी पदयात्रा पर निकले हुए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की भी अपनी यात्रा चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे पीछे रह सकते हैं? खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा कब से शुरू करते हैं और उनकी यात्रा पर मेन फोकस महिलाओं को लेकर होता है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।